भैया 150 150 150 हाउ मच फॉर वन? 499 स्टार्टिंग प्राइस इज 499 गोज अप टू 599 तो चल लेना छोटा साइज है मिरर इधर नोट इधर हां मिरर 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 हां छोटा इला सर बता तेरे साइज पे इससे बड़ा साइज है भाई ये पहले जैसा नहीं रहा यार बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ फिर ऐसा लग रहा है कि मैं जब से बैंगलोर छोड़ के गया हूँ तब से चर्च स्ट्रीट का जो वो होता है यार वो वाइब 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 होता है वो ही चला गया है तो अभी मज़ा नहीं आ रहा है अभी देखते हैं थोड़ा मज़ा करने की कोशिश करते हैं अच्छा है भैया ने तुझे क्या बोला है मैंगो चूस लीजिए कैसा है अच्छा है मैंगो ये क्या बना दिया इन्होंने भाई आपके पास डोलची का बाना है क्या डोलची का बाना मतलब डोलच का बाना ये है क्या नहीं है भाई नहीं सर पनीर वाली बना दो पनीर है आपके पास पनीर नहीं है टिक्का बना दो नहीं नहीं इसमें स्कैन कर दे कितने का है 50 का कितना 6 मतलब एक गोल गप्पा 8 रुपए का कुछ ये 8 रुपए का एक बहुत महंगा बहुत ज्यादा महंगा भाई भैया हम तो आपके रेगुलर कस्टमर है वही भी हो इतना ही है भैया हम तो आते रहते हैं आपके पास सुबह में आया था 2 लड़कियों के साथ अरे यार भैया मान नहीं रहे ये कितना का है कोई भी मैंने लिया ये वाला एटी फाइव लगा लो 85 नहीं 75 लगा लो नहीं यार देख लो यार भाई नहीं हो आप कहाँ से हो हाँ मैं भी बैंगलोर से हूँ पहन के दिखा मैं भाई यहाँ नहीं पहनता एक बार ही पहन के तो दिखा आपको क्या बोलते हैं बैंडाना भाई तो छपरी लग रहा है एक ही ले ले मैंने इसको देखा और मैंने प्लान कैंसिल कर दिया तनु जस्ट स्टारबक्स से कॉफी पिलाने लगा है चलो भाई गाइस किसी के फोन से मैं पे करूंगा लो भाई अब हमारे दोस्त मोमोज खाएंगे खाओ फिर चर्च स्ट्रीट में पुरानी यादें ताजा करने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े अपने घर के लिए जो कि था जेपी नगर हमने सोचा क्यों ना साथ साथ में एक कोरमंगला भी देखते जाएं मैंने वहां पे ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ होगी जला हुआ अंडा भाई मेरे किचन का हालत देखो ये यही है हाँ हटाएगा जो भाई ने जहां से उठाया खोला वो वैसे ही छूट गया वो होप नहीं करते कि कुछ बंद कर दे खिड़की वाला सीट छोड़ दे हम सुबह पहुंचेंगे 5:30 बजे और ये है हमारा डब्बा यहाँ पे एसी लगा है इस बटन से क्या होता है ये लाइट का है बट लाइट ख़राब है यहाँ पे और यहाँ पे बैग रख सकते हैं और मैं अभी आधा लेटा हूँ मेरी टांके ऑलमोस्ट टच कर रही हैं उसको मैं लेट कर देखता हूँ कि भाई मैं पूरा भी आता हूँ या नहीं वैसा मैं समझना कि मैं 6 फुट का हूँ फिर
फिर भी ये पूरा स्पेस है एकदम। तो भाई साहब हमारा बस चल पड़ा है, ये तो ऐसे जैसे अर्थक्वेक आ गया। मैंने सोने की तो बहुत कोशिश करी पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, तो मैं सबसे आगे चला गया कंडक्टर भैया के पास थोड़ी बातें मारने के लिए, और फिर देखते ही देखते हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना भैया जी के साथ चाय पी जाए। थैंक यू कैसे बोलते हैं कन्नड़ा में? थैंक यू धन्यवाद। तीन चाय लेके जाना यार मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैं बड़ी ध्यान ध्यान से प्यार प्यार से चाय लेके जा रहा था, और जैसे ही मैं चाय लेके पहुंचा वहाँ पे रखो रखो अरे नहीं मैं कौन लाता हूँ यार। जैसे ही लाए एक चाय गिर गई नीचे, बड़ी मेहनत से लाया था, होता है कभी कभी। एक और चाय, एक चाय गिर गया, एक चाय गिर गया, गिर गया, बहुत बढ़िया, एक और दे दो। और मैं फिर से एक बढ़िया सी चाय बनवा के लाया। जब तक मैं वापस पहुंचा था भैया जी अपनी चाय पी चुके थे। आपने पी ली? हाँ, मेरे पास सैंडविच है। अच्छा, मैं लाता हूँ, रुको। और फिर हम तीनों ने सफर का आनंद लेते हुए खाए सैंडविच, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी बने थे, पता नहीं कैसे। आपका है, आपका है। और फिर कुछ देर बाद हमारी बस रुकी एक स्टॉप पर, और भाई मेरे दोस्त को सोते सोते ही भूख लगने लग गई, तो मैं उसके लिए चिप्स लेने गया। ब्लू ग्रीन, वन ब्लू वन ग्रीन। अभी हमने आधा ही सफर पूरा किया था और रात के 2:30 बज चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा मैं सो लेता हूँ फिर से।